ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासावदा नमोस्तु ते। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर भद्राओं का छाया रहेगा। जैसे कि 30 अगस्त को भद्राएं पूर्णमासी के साथ ही प्रारंभ हो रही है, जानने की चतुर्दशी 10:59 तक हैं, उसके बाद पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है और पूर्णमासी के साथ ही भद्राएं भी प्रारंभ हो रही हैं। जैसे कि पहले गत वर्षों की भांति हम देखते रहे कि पूर्णमासी को ही रक्षाबंधन का विधान होता है, परंतु इस बार पूर्णमासी के साथ भद्राएं भी चल रही हैं। तो रात्रि 30 अगस्त रात्रि को 21 का मतलब कि 9:03 तक भद्राएं रहेंगी, उसके बाद हम रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। परंतु हमारे जे एंड के हिमाचल और पंजाब में रात्रि के समय कोई भी त्यौहार बनाना या रक्षाबंधन पर्व इत्यादि बनाना शुभ नहीं माना गया। तो सबसे अच्छा है कि 31 अगस्त को हम 7:03 तक या 6 मिनट तक हम अपना रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। बहनाएँ, अगर हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण कर तू अपने भाई को रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधे। मंत्र है, जेन वद्दो वली राजा दानवेंद्रो महावला तेना तुम पदवदनामी रक्षो माचल माचला। अगर 7:06 तक 31 को रक्षाबंधन किसी कारणवश नहीं हो सकता तो पूरा दिन भी हम रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। जय श्री राम। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया जाने वालों के लिए सुनहरा मौका, चाहे वो स्टडी वीजा चाहे वो वर्क वीजा, राम सूरती ग्लोबल सर्विसेज स्टडी वीजा कंसल्टेंट जो कि न्यूजीलैंड से ऑपरेट करते हैं, सीईओ शुभम बल्होत्रा। अपनी मंजिल और सपनों को उड़ान देने के लिए पठानकोट में 8 सितंबर को फ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग देने के लिए न्यूजीलैंड से विनय सूद लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर आ रहे हैं, जो विदेश जाने के लिए सेमिनार के माध्यम से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक देंगे महत्वपूर्ण जानकारी। जाना ना भूलें, रामसूरती ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नजदीक शनिदेव मंदिर चिकित्सा अस्पताल पठानकोट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय सूद है। आई एम ए इमिग्रेशन एडवाइजर, लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर फ्रॉम न्यूजीलैंड। ते साड़ी कंपनी का नाम है इमिग्रेशन लॉ एडवाइज। मैं इंडिया आ रहा हाँ September 8 नू पठानकोट च होवांगा एट RS ग्लोबल सर्विसेज। ते तुहानू सारयां नू मैं इनवाइट करता वा, आके मैनू मिलो ते न्यूजीलैंड दे बारे जानो की अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां ने।